नमस्कार, मैं रविश कुमार। भारत का लोकसभा का चुनाव मिडिल स्कूल लेवल पर आ गया है, और चूंकि मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन ना फैले, इसलिए मिडिल स्कूल के छात्रों के लिए आज का प्राइम टाइम समर्पित है। दुनिया में डिजिटल कैमरा कब आया, दुनिया में आने के बाद भारत कब आया, दुनिया में ईमेल कब लॉन्च हुआ और भारत में कब लॉन्च हुआ। प्रधानमंत्री ने जब से एक इंटरव्यू में जवाब दिया है, 2019 के चुनाव का आखिरी चरण क्विज शो में बदल गया है। जितने भी लोग इस सवाल को लेकर टेंशन में थे कि कौन जीतेगा, बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी, यूपी में महागठबंधन का क्या होगा, वे सारे लोग डिजिटल कैमरा कब आया यह पता लगाने में लग गए हैं। यही नहीं, ईमेल कब लॉन्च हुआ इसकी भी खोज हो रही है। प्रधानमंत्री ने न्यूज नेशन नामक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि शायद देश में हो सकता है, मुझे मालूम नहीं, मैंने पहली बार डिजिटल कैमरे का उपयोग किया था 87-88 में शायद, और उस समय बहुत कम लोगों के पास ईमेल रहता था, तो मेरे यहां विरमगाम तहसील में आडवाणी जी की सभा थी, मैंने डिजिटल कैमरे से उनकी फोटो ली, तब डिजिटल कैमरा इतना बड़ा आता था मेरे पास था, उस समय मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट कर दिया। अब दूसरे दिन कलर छपी तो आडवाणी जी को सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फोटो आज के आज कैसे छपी। चूंकि प्रधानमंत्री बटुआ नहीं रखते हैं तो डिजिटल कैमरा कैशलेस खरीदा होगा, क्योंकि तब बार्टर सिस्टम तो था ही, हिंदी में इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं और ये आज भी है। गांव में हम लोग बहुत से लोग अभी भी लोग धान देकर आइसक्रीम खरीद लेते हैं, लेकिन तब क्या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आ गया था। अब इस तरह से आप प्रधानमंत्री के जवाब पर रिसर्च करेंगे तो उस युग में पहुंच जाएंगे जहां से लौटना मुश्किल हो जाएगा। जितना उन्होंने कहा है उतने का ही रिसर्च कीजिए, और इसलिए रिसर्च करना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री की बात दूर दूर तक पहुंचती है, लोग उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। अगर तथ्य सही नहीं रहे या गलत जानकारी या गलती से निकली जानकारी लोगों के दिमाग में तथ्य बनकर रह जाए, ये ठीक नहीं है। ऐसे ही स्कूलों की हालत अपने आप बहुत बुरी है, खासकर सरकारी स्कूलों में पांचवी का जो छात्र है वो दूसरी की किताब नहीं पढ़ पाता है, और विरोधी और ट्विटर पर जो खलियर लोग हैं वो खूब मजा ले रहे हैं, इस पर खूब तरह के कार्टून बन रहे हैं, मौज मस्ती हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री के विरोधी अहमद पटेल ने ट्वीट कर दिया और लिखा कि यहां जहां तक मेरी याददाश्त जाती है, भारत में पब्लिक इंटरनेट सर्विस 1995 में ही शुरू हुआ। मुझे नहीं पता कि 1987-88 में प्रधानमंत्री किसे और कैसे ईमेल भेज पा रहे थे। क्या तारीख को लेकर प्रधानमंत्री की जुबान फिसल गई? कई बार इंटरव्यू में बोलते वक्त चीजें गलत हो जाती हैं, ये हो सकता है। अच्छा होता प्रधानमंत्री ट्विटर हैंडल पर इसे क्लियर कर देते, जो कि लगता है नहीं किया है। प्रधानमंत्री भी विपक्ष को उलझाकर खुश हैं, लगता है कि कम से कम चलो डिजिटल कैमरा और ईमेल पर वो लोग चर्चा कर रहे हैं, फंसे हुए हैं, हम अपना कुछ और काम कर रहे हैं। 31 मार्च 1986 को राजीव गांधी की सरकार में विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL का गठन होता है। भारत में गांधी जयंती के दिन 1991 में VSNL ने ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल लॉन्च किया। 1991 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, 21 जून 1991 को ही उन्होंने शपथ ली थी। 24 फरवरी 1992 तक भारत में मात्र 100 यूजर थे ईमेल के, जिन्हें सब्सक्राइबर आप कह सकते हैं। मुंबई में 50 सब्सक्राइबर थे और दिल्ली में 25। जब कुछ संस्थाएं थीं रिसर्च की, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इस तरह के संस्थानों के पास ईमेल था। हमने ये जानकारी 24 फरवरी 1992 के टाइम्स ऑफ इंडिया से ली है, रिपोर्टर के नाम की जगह स्टाफ रिपोर्टर लिखा है। इस रिपोर्ट में VSNL ने कहा है कि हर महीने 25 नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं। सोचिए आज हम कैसे ईमेल खोलते हैं और बंद करते हैं। वैसे एक जानकारी और है, किसी भी ईमेल के साथ पहला अटैचमेंट मार्च 1992 में भेजा गया था। ये अटैचमेंट एक तस्वीर थी, भेजने वाले का नाम नथानियल बोरेनस्टाइन था, जबकि बकौल वो अमेरिका के, जबकि बकौल मोदी वो 87-88 में फोटो अटैच कर दिल्ली भेज चुके थे और आडवाणी जी सरप्राइज हो चुके थे। इस लिहाज से प्रधानमंत्री ने भी ईमेल होने की बात गलत बताई। 87-88 में ईमेल से कैसे अटैचमेंट भेज दिया, जबकि ईमेल आया ही 1992 में और उनकी भारत में। उनकी आलोचना करने वाले अहमद पटेल ने ये बात तो सही कही कि इंटरनेट सेवा जो है वो 1995 में लॉन्च हुई, लेकिन वो इंटरनेट सेवा और ईमेल में फर्क भूल गए। ईमेल जो है भारत में बाद में आया, उससे पहले आ गया था 1992 के पास, लेकिन 87-88 में नहीं आया था। भारत में इंटरनेट सेवा 15 अगस्त 1995 को लॉन्च होती है। विदेश संचार निगम लिमिटेड ने ये काम किया है। रिसर्च के दौरान यह भी पता चला कि मोबाइल फोन से पहला फोन कॉल किसने किया होगा, सोचिए। चलिए अब चुनाव में तो कोई इश्यू डिस्कस नहीं हो रहा है तो क्विज खेलते हैं। 1995 में बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने पहला मोबाइल फोन कॉल किया था,
अगस्त 1995 में उस समय के दूरसंचार मंत्री सुखराम को फोन किया था, और सुखराम जो कि बीजेपी में रहे, कभी कांग्रेस में रहे, कभी बीजेपी में रहे, फिर कांग्रेस में आ गए हैं आजकल। लेकिन सोचिए कि ईमेल को लेकर प्रधानमंत्री इतनी बड़ी गलती कर जाएं और उसमें संशोधन ना करें, इतनी आलोचना होने के बाद भी तो गड़बड़ है। उस इंटरव्यू में जिसका एक टुकड़ा लोग ट्वीट कर रहे हैं, वो कुछ और भी है और ज्यादा गंभीर है कि सवाल पहले से लिखे हुए थे, ये बात अगर ऐसी है तो ठीक बात नहीं है। कांग्रेस की दिव्या स्पंदना ने ट्वीट किया है कि न्यूज नेशन को जो इंटरव्यू दिया है उसका एक हिस्सा जाहिर करता है कि सवाल पहले लिखकर भेजे गए। जब कविता का सवाल आता है तो प्रधानमंत्री फाइल की तरफ इशारा करते हैं जिसमें कविता लिखी है, लेकिन अगले शॉट में दिखता है कि उनके हाथ में कविता का पन्ना है और उस पन्ने के ऊपर कविता वाला सवाल लिखा है, जवाब भी टाइप किया हुआ है। पहले ही आरोप लगता रहा है कि प्रधानमंत्री इंटरव्यू देने से पहले सवाल मंगा लेते हैं फिर जवाब देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के हाथ में जो पन्ना उस पर सवाल लिखा है कि चलते चलते मैं कभी नरेंद्र मोदी से जानना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों में आपने कुछ लिखा है क्या। जो सवाल कागज पर टाइप है वही सवाल एंकर द्वारा पूछा जाता है, सवाल के साथ जवाब भी टाइप है। और इसी पंक्ति को थोड़े बहुत बदलाव के साथ एंकर दोहरा रहा है। यही नहीं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी लिखावट अच्छी नहीं है मगर उसी पेज पर कविता टाइप है। प्रधानमंत्री अपने जवाब में कहते हैं कि कविता अभी अभी लिखी है, लेकिन उसी कागज पर वो सवाल लिखा है जो एंकर के द्वारा पूछा गया था। इंटरव्यू लाइव हो या रिकॉर्डेड उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या सवाल पहले से तय था। अगर तय था तो वो इंटरव्यू नहीं माना जाना चाहिए। क्या सवाल पहले जमा कराया गया, इसे तो प्रधानमंत्री को ही स्पष्ट करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का इंटरव्यू एक तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी होती है क्योंकि उन्होंने उस इंटरव्यू को अपने ट्विटर हैंडल से भी शेयर किया है, बीजेपी के पेज से भी शेयर किया गया है। अगर सवाल पहले से तय हो तो फिर इंटरव्यू की विश्वसनीयता क्या रह जाती है। 13 मई दिल्ली का आसमान, आसमान में काले घने होने से पहले के ये बादल हल्का हल्का ब्राइट ब्राइट ब्लैक हैं। हमारे कैमरे की नजर में आते जाते हवाई जहाज, लेकिन क्या बादल होने या मौसम खराब होने से रडार काम नहीं करता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में काम करने वाले लोग हैरान हैं, हंस भी रहे हैं लेकिन बोले कैसे। आप जानते हैं कि देश भर में कई जगहों पर रडार स्टेशन बना होता है। रडार स्टेशन से लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे आसमान की तरफ जाती रहती हैं और वहां मौजूद ज्ञात अज्ञात चीजों से टकराकर वापस लौट आती हैं, जिसे हम टारगेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे लाइट स्पीड की गति से चलती हैं। इससे होता यह है कि जहाज का लोकेशन पता चल जाता है, पता चलता है कि कोई टारगेट आसमान में है, कितनी दूरी पर है और कितने एंगल पर है। प्राइमरी रडार से इतना ही पता चलता है, ये नहीं पता चलता कि विमान कौन सा है, मगर उससे अधिक क्षमता वाले रडार से पता चल जाता है कि विमान दिखने में कैसा है, किसका है। रडार अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये भी आप जान लें। मिडिल स्कूल के जितने भी छात्र हैं अलग अलग रेंज के होते हैं। मेरी यह जानकारी बेसिक है, आप दर्शक जो भी इसमें खोट निकालेंगे मैं सुधार करने के लिए तैयार हूं। प्रधानमंत्री को भी बादलों वाले बयान का सुधार कर लेना चाहिए, यह अच्छी बात नहीं है। इंग्लिश में छप के टाइम मैगजीन में वालों को पता चल गया तो बहुत बुरा हो सकता है। वैसे इससे चुनावी संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ता, आप जितना झूठ बोलें जितना गलत बोलें वोट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत अच्छी बात है भारत के लोकतंत्र में। जहाज कौन बनाएगा जिसने कभी एक हवाई जहाज जिंदगी में नहीं बनाया था वो बनाएगा। उसको जमीन भी दे दी, उसको कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया, एचएएल से बनवाया नहीं जिसने 50,000 के लिए जहाज बनाया। इतने बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने सोचा कि ऐसा काम करेंगे, मौसम क्लाउडी है, रेडार पे नहीं आएंगे। ये उज्जैन में प्रियंका गांधी बोल रही थी। प्रधानमंत्री का कहा गया कई लोग सिलेबस की तरह लेते हैं, उन्हें लगता है कि यही सिलेबस है। इसलिए भी जरूरी है कि बोलने के दौरान उनसे जाने अनजाने में हुई चूक को ठीक किया जाए सार्वजनिक रूप से। अच्छा हो कि वो खुद ही ठीक कर दें ताकि लोग सही जान सकें और बच्चों को गलत जानकारी ना पहुंचे। सोचिए यही गलती अगर राहुल गांधी ने की होती तो प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते और हर मंत्री का अलग अलग हिंदी अखबारों में छप रहा होता, लेकिन ये सारी बातें हिंदी अखबारों से गायब हो जाती हैं, हर अखबार में पहले पन्ने पर छपता। राहुल गांधी भी रिलैक्स होंगे, चलो ऐसी गलती नहीं हुई इस बार।
रडार, क्लाउड, डिजिटल कैमरे की बातें करते हुए कितना अच्छा लगता है कि भारत कम से कम इससे मुद्दा विहीन चुनाव में विज्ञान को लेकर चर्चा तो कर रहा है। बोर हो गया था सारा चुनाव, इंटरव्यू इतने ज्यादा होने लगे हैं नेताओं के अखबार में, टीवी में, दोहरावन तेहरावन इंटरव्यू कि अब पक गया है मन कि क्या नया बोल रहे हैं, क्या पुराना समझ में नहीं आ रहा। मगर अफसोस, जिस देश में ऐसी बातें हों कि खराब मौसम में बादलों में छिपे जहाज को उड़ाया जा सकता है क्योंकि रडार नहीं पकड़ पाते, वही वाले रडार को पकड़कर पूछना चाहिए कि साफ आसमान के बावजूद भी अनुसूचित जाति के दूल्हे की बारात जब रोकी जाती है तब क्यों नहीं पकड़ पाते हैं। गुजरात में पिछले कुछ दिनों में 4 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें अनुसूचित जाति के दूल्हे की बारात रोकी गई, घोड़ी चढ़ने से रोका गया दूल्हे को। बारात इस रास्ते से ना निकले इसलिए अगड़ी या प्रभावी जाति की औरतें सड़क पर बैठकर भजन करने लगी, यज्ञ करने लगी। बताइए, ये तस्वीर देखकर आपको गर्व हो सकता है कि अपने प्यारे भारत पर? आप सोचिए कि दूल्हे के भीतर अपमान की कैसी परतें बनी होंगी, दुल्हन को कैसा लगा होगा कि सबका दूल्हा घोड़ी चढ़कर आता है और उसके दूल्हे को जाति के कारण घोड़ी तक नहीं चढ़ने दिया, बारात तक नहीं निकालने दी गई। भजन करते हुए रोकने बैठी इन औरतों में अनुसूचित जाति को लेकर कितनी नफरत भरी होगी। कायदे से रास्ता रोकने वाली इन सभी महिलाओं पर केस तो होना ही चाहिए और इन सभी को एक क्लासरूम में बिठाकर संविधान पढ़ाया जाना चाहिए। कम से कम 3 महीने का रिटर्न कोर्स के बाद रिटर्न टेस्ट लिया जाना चाहिए। जब तक गुजरात में लगन चले अनुसूचित जाति के दूल्हों का रास्ता रोकने वालों को संविधान पढ़ाया जाए। पहले दिन शादी नहीं हुई, दूसरे दिन हुई, गांव पुलिस छावनी में बदल गई, तब जाकर शादी हुई। संविधान सबको बराबर मानता है मगर संविधान की भावना लोगों में बराबर नहीं उतरी है। गुजरात के अरवली जिले के मोडासा के खबिसार गांव में यह घटना है। यह पहली घटना नहीं है, हर साल हो रही है, गुजरात में नहीं, मध्य प्रदेश यूपी में भी। कायदे से रास्ता रोकने वालों को जेल के अलावा दूसरी जगह नहीं होनी चाहिए मगर उन्हें पता है कि वे ताकतवर है और इस तरह से ये तमाशा जो चल रहा है, हम कहां किसको चेहरा दिखाएंगे, लोग चाहे जो कर ले। यही नहीं, साबरकांठा जिले के प्रातिज के शितवाड़ा में भी अनुसूचित जाति के दूल्हे को धमकी दी गई कि लगन में वरघोड़ी नहीं निकलेगी, यानी दूल्हा घोड़ी पर नहीं जाएगा, मैं पुलिस सुरक्षा में बारात निकाली गई और ये डांस ना कर सके इसलिए रास्ते में टैंकर से पानी उड़ेल दिया गया ताकि कीचड़ हो जाए। खैर, किसी भी तरीके से प्रशासन ने शादी कराई मगर आप सोचिए किसकी शादी पुलिस सुरक्षा में होती है। हजारों बारात इस देश में निकलते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता मगर अनुसूचित जाति के दूल्हे की बारात निकलने पर कुछ लोगों को क्यों फर्क पड़ा? कुछ जगहों पर पुलिस ने अच्छा काम किया तो एक जगह पर पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत हुई कि उसने अनुसूचित जाति को गालियां दी हैं। गांधीनगर रेंज के आईजी मयंक सिंह ने कहा है कि ऐसे अवसर पर कार्रवाई की जाएगी। बंदोबस्त डिस्ट्रिक्ट ना वधारे पड़ता अधिकारी अहीं अवेलेबल छे मारी साथे अने अमे बधा ज गामना रस्ता उपर जुदी जुदी टीमों बनावीने पेट्रोलिंग करीए छीए અને બે લોકોના વિસ્તારો જ્યાં મર્જ થાય છે, બે ઘર્ષણ થયેલા ગુટોના વિસ્તાર જ્યાં મર્જ થાય છે ત્યાં અમે વધારે પડતી પેટ્રોલિંગ રાખી છે કે એકબીજા ઉપર ફરી કોઈ અટેક ન છે। ક્યા હમ સભી કો એસે પ્રકરણો સે શર્મ આતી હે આની ચાહીએ યા અહંકાર ઓર અધિકાર બોધ આ કહાં સે રહા હે કે અનુસૂચિત જાતિ કે દુલ્હે કી બારાત કા રાસ્તા રોકા જા રહા હે। मध्य प्रदेश में भी ऐसी घटना की खबर आई 16 अप्रैल के आसपास। वहां तो पहले आदेश आया कि शादी से 3 दिन पहले परिवार को सूचना देनी होगी मगर अब यह आदेश वापस ले लिया गया है। यह हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट है। अलवर के थाना गाजी में 26 अप्रैल को 5 लोग एक महिला को अगवा कर उसका बलात्कार करते हैं। हर्षा शनिवार को रिपोर्ट फाइल करती हैं, वीडियो बता रही हैं हर्षा की जो अपराधी हैं वो वीडियो बनाते हैं और ब्लैकमेल भी करने का प्रयास करते हैं पीड़िता को। 30 अप्रैल को महिला और उसका पति अलवर थाने में एसपी के पास जाते हैं, अलवर एसपी के पास, मगर चुनाव के कारण 2 मई को एफआईआर होती है। अलवर में 6 मई को मतदान होता है और कार्रवाई होती है 7 से 9 के बीच। अपराध में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या चुनाव के कारण कार्रवाई नहीं हुई? लगता तो ऐसा ही है। इस रिपोर्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस की गलती मानी है, एसपी का तबादला कर दिया गया है। अब इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी और मायावती ने कांग्रेस सरकार को निशाना बनाया लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी मायावती को अलग से निशाना बना रहे हैं कि आप कांग्रेस का समर्थन क्यों कर रही हैं जब राजस्थान सरकार कुछ नहीं कर रही है। मायावती ने जवाब तो दिया मगर भाषा किस मामले में निजी हो गई और आपत्तिजनक भी। सरकार को जैसे इतला मिली एसपी को 30 तारीख को और 1 तारीख को और 2 तारीख को एफआईआर लॉन्च हो गई और लगातार कार्रवाई हो रही है और सब मौजूद पकड़े गए, तो ये आरोप लगा के प्रधानमंत्री अपनी कैंपेन के अंदर थानागारी के नाम लेकर के, जबकि उनके खुद के जहाँ सरकारें हैं
राज्य सरकार है। इवन राजस्थान के अंदर भी 5 साल तक सरकार चली, यहाँ पर कितनी घटनाएं हुई, शर्मनाक घटनाएं हुई थी। आज यूपी की बेटियां बहन जी से पूछ रही है और बहन जी आपको जवाब देना पड़ेगा। राजस्थान में बहन जी आपके समर्थन से सरकार चल रही है और वहां दलित बेटी पे बलात्कार हुआ है, आपने अपना समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? बयानबाजी करके घड़ियाली आंसू बहा रही हो? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहां उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी जनसभाओं में खासकर दलितों के वोटों को लुभाने के लिए जो यहां अपना फर्जी व नकली दलित प्रेम दिखाने की ड्रामेबाजी की है, तो उससे भी अब इनको चुनाव में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री राजस्थान की घटना के जिक्र भाषणों में कर रहे हैं, उन्हें गुजरात में अनुसूचित जाति की बारात पर हो रहे हमले की भी चर्चा करनी चाहिए। कर सकते हैं? नहीं, राजनेता भले ना करें, लेकिन हमें आपको चर्चा करनी चाहिए कि हमने कैसा समाज बनाया है जहां हिंसा की इन परतों को मान्यता मिली हुई है। खुलेआम लोग सड़कों पर बैठ रहे हैं और बारात को रोक रहे हैं इसलिए कि किसी की जाति कुछ और है। अब फरीदाबाद चलते हैं। अभी तो यह घटना पता चल गई है फरीदाबाद वाली, अब पता नहीं जहां जहां नहीं पता चली है वहां वहां क्या हुआ होगा, लेकिन जो पता चली है वो बताते हैं। असावटी गांव में बीजेपी का एक पोलिंग एजेंट गिरिराज सिंह कई महिलाओं का वोट अपनी पार्टी के पक्ष में करवाता है और वो वीडियो में पकड़ा जाता है, वीडियो वायरल होता है और गिरफ्तार हो जाता है। फिलहाल वो जमानत पर है। इस बीच चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी को भी सस्पेंड कर दिया है और इस मतदान केंद्र पर 19 मई को फिर मतदान कराने का फैसला किया है। हमारे सहयोगी परिमल सिंह की जिस रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई हुई उसे आप भी देखिए और याद रखिए इन बातों को कि चुनाव के दौरान क्या क्या चीजें हो रही हैं। इस वीडियो में ये शख्स गिरिराज सिंह बीजेपी का पोलिंग एजेंट है जो वोटिंग के वक्त ईवीएम के पास मतदाता के साथ उस घेरे में दाखिल हो जाता है और फिर अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। वो 3 बार यही काम करता दिखता है। वीडियो में नजर आने वाली पहली महिला शोभा बताती हैं कि गिरिराज ने उनको कमल के फूल पर बटन दबाने को कहा था। बताऊं, मेरे तो बोला था कि फूल पे दबाओ, मैंने बोला था कि आज मेरी मर्जी है वहां दबाऊं, यहां मेरी मर्जी वहां दबाऊं, तो मैंने दरवाजे में चला गया। उसने दबाया नहीं, सिर्फ आपको कहने आया था। वो कहने आया था, उसके आगे मैंने दबाया भी नहीं, वो कह के चला गया, मैंने अपना हाथी पे दबाया। सबसे बड़ा सवाल कि जब आप मतदान करने पहुंचते हैं तब आपको कोई शख्स इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता हुआ नजर आए, इस तरीके से अंदर दाखिल होकर किसी पार्टी के सिंबल पे आपको वोट करने के लिए कहे, तो सीधे तौर पे लोकतंत्र के लिए खतरा बनता है। ये वीडियो फरीदाबाद के असावटी गांव के इस स्कूल के पोलिंग बूथ नंबर 88 के इसी कमरे का है। अब आरोपी गिरिराज की दलील है कि ये महिलाएं उनकी जान पहचान की थी तो उनको समझाने गया कि वोट करते कैसे हैं। मामला दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई और रविवार रात से ही गिरिराज बेल पर है। मेरे ऊपर मामला दर्ज हुआ और गलत हुआ है। आपने बेल ली है? हाँ, मैंने बेल ली है। बेल ली? हाँ जी। गलत कैसे कह रहे हैं कि दर्ज हुआ है मामला? गलत ये हुआ कि मैंने वहाँ पे गया जरूर लेकिन मैंने कोई बटन नहीं दबाया कि यहाँ पे पोलिंग जो करा रहे हैं सर वो मुझे रोक लेते, या अगर मैं गलत करा रहा होता तो एजेंट मुझे रोकते, और अगर मैं गलत कर रहा होता तो जो वोट डाल रहे हैं वो भी तो मुझे रोक सकते थे। आप किसी ने नहीं रोका? मुझे किसी ने नहीं रोका। इन महिलाओं की उंगलियों पर लोकतंत्र के पर्व में शामिल होने का निशान जरूर लगा है, लेकिन इनका कहना है कि वोटिंग इन सब ने नहीं बल्कि इनके बदले आरोपी गिरिराज सिंह ने की। वीडियो में महज 3 महिलाएं दिख रही हैं, लेकिन जब एनडीटीवी की टीम पहुंची तो ऐसी शिकायत लिए दर्जनों महिलाएं कैमरे के सामने पहुंच गईं। खोकाम जाकर पहुंची तो बटन दाबी थे तो दूसरे बटन दाब दिए। किसने दाबा? गिरिराज ने। आपने कुछ कहा नहीं? तो मैंने तो कहा तो खूब लड़ी मैं, मैंने कही तेरे घर में कोई रकम आएगी तू को डीसी है या बात को रखा? नहीं, मैं वोट हाथी का दबाने वाली थी, इसने उसने कमल का दबा दिया। कौन दबा दिया? कौन था वो? गिरिराज। इस मामले में शुरुआती जांच के बाद निर्वाचन आयोग ने पीठासीन अधिकारी को निलंबित कर दिया है।
साथ ही वोटिंग न कर पाने से मायूस असावटी गांव के मतदाताओं को 19 मई को एक बार फिर से मतदान का मौका दिया है। यानी लोकसभा चुनाव के आखिरी और सातवें चरण में 19 मई को असावटी मतदान केंद्र पर नए सिरे से मतदान होगा। फरीदाबाद के असावटी गांव से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। ममता बनर्जी या किसी भी नेता की फर्जी तस्वीर लगाने का हम बचाव नहीं कर सकते, खासकर अगर वो अश्लील है, धार्मिक तनाव पैदा करने के मकसद से किया जा रहा हो। और कोई करे भी तो लोगों में इतनी समझ होनी चाहिए कि वैसी बातों को दिल पर ना लें, अपने दिमाग ना खराब करें, तनाव भड़काने में शामिल ना हो। लेकिन हंसी मजाक और चुनावी चकल्लस के लिए ऐसी चीजों से किसी को इतनी दिक्कत हो जाए कि जेल भिजवा दे, तब तो उसका पूरे दमखम से विरोध करना चाहिए। दुर्भाग्य से यह काम सभी पार्टियां करती रही हैं। बीजेपी और आरएसएस के समर्थक भले कुछ ज्यादा करते रहे हों, नेहरू और गांधी की मॉफ्ट और गंदी तस्वीरें उसी खेमे से आती रहीं, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी की मॉफ्ट तस्वीर शेयर करने पर हावड़ा की युवा बीजेपी की संयोजक प्रियंका शर्मा की गिरफ्तारी लोकतंत्र की भावना के उतने ही खिलाफ है जितनी इस तरह की तस्वीरें जारी करना। चाहे तो याद कर सकते हैं कि ममता बनर्जी सिर्फ फर्जी तस्वीरों पर ही नहीं, असली तस्वीरों पर और कार्टून पर भी उसी तरह नाराज होती रहीं। कोलकाता में कई प्रोफेसरों, कलाकारों और फिल्मकारों को उनका गुस्सा झेलना पड़ा। याद कीजिए 2012 में उनकी पुलिस ने जाधवपुर यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री प्रोफेसर अंबिकेश महापात्र को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने एक ईमेल भेजा था जिसमें ममता बनर्जी का कार्टून था। ममता की इस निर्ममता का सामना फिल्मकारों को भी करना पड़ा। अनिक दत्ता की फिल्म भविष्यर्भूत यानी भविष्य के भूत को ममता की नाराजगी की वजह से सिनेमाघरों से उतारा गया। इसी तरह श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर बनी एक फिल्म भी पश्चिम बंगाल में नहीं दिखाई जा सकी, जबकि ये वही ममता हैं जो दूसरों को लेकर आक्रामक होती हैं कि तो किसी भी हद तक चली जाती हैं। कई बार उनकी बात को हल्का सा मोड़ भी दे दिया जाता है। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री को लोकतंत्र का तमाचा पढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस जुमले से थप्पड़ शब्द उठाया और कह दिया कि दीदी आकर थप्पड़ मारे। लेकिन दीदी का ये रवैया उनके कार्यकर्ताओं तक जाते जाते क्या एक हिंसक रूप ले रहा है? आखिर बंगाल में तृणमूल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में इतनी भिड़ंत क्यों हो रही है? चुनाव आयोग भी वहां क्या कर रहा है कि मतदान के दिन हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं? और राजनीतिक दलों का क्या नियंत्रण अपने कार्यकर्ताओं पर किस तरह से मारपीट हो रही है? छठे दौर की वोटिंग के बीच भी झाड़ग्राम के हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई जिसे बीजेपी का समर्थक बताया जा रहा। पूरे चुनाव के दौरान बंगाल से हिंसा की ऐसी परेशान करने वाली तस्वीरें आती रहीं। वहां भी अगर देखा जाए तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा ही है। इन सब का नतीजा ये भी हुआ कि ममता बनर्जी के समय होने वाली पुलिस कार्रवाइयां संदेह के घेरे में आ रही हैं। ताजा मामला पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार निलंजन रॉय की गिरफ्तारी का है। वो ममता बनर्जी के भतीजे और मौजूदा सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार हैं। पुलिस ने उन्हें पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। इसी तरह बीजेपी नेताओं के हेलीकॉप्टर ना उतरने देने के पीछे भी ममता बनर्जी की सख्ती बताई जाती है। अभी तो चुनाव आचार संहिता है, लेकिन पहले भी कभी शिवराज सिंह चौहान का हेलीकॉप्टर नहीं उतरा तो कभी अमित शाह का है। ये सारी चीजें बीजेपी विरोधियों को कुछ आनंद देती हैं। उनको लगता है कि कोई है जो खुद को तोप मानने वाली पार्टी को आईना दिखा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये लोकतंत्र के प्रति वास्तविक आस्था रखने वालों को कुछ ज्यादा परेशान कर रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि लोकतंत्र के बचाने के नाम पर आप एक तरफ देखें और दूसरी तरफ नहीं देखें। ममता बनर्जी की सरकार ने बीजेपी नेता प्रियंका शर्मा को अरेस्ट कर ठीक नहीं किया है। इससे मोदी सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ लड़ने का उनका दावा खोखला साबित होता है। चुनाव में हंसी मजाक चलता है, चलते रहना चाहिए। प्रियंका शर्मा की गिरफ्तारी पर भले ही कानून का जामा पहनाया जा रहा हो, मगर है शर्मनाक। किसी नेता को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि मीम बनाने पर जेल भिजवा दें। बीजेपी को बस इतना याद करना चाहिए साथ साथ अति उत्साह में कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ टिप्पणी करने वालों पर को कितने लोग गिरफ्तार किए गए। इसलिए बेहतर है कि कोई भी नेता करे, किसी की भी सरकार करे, आप इस बात का विरोध कीजिए, जो गलत है वो गलत है। हावड़ा युवा बीजेपी की अध्यक्ष प्रियंका शर्मा ने वही किया जो वो कई नेताओं को करते देखती रही हैं। एक ऐसी तस्वीर शेयर कर दी जिसमें प्रियंका चोपड़ा की जगह ममता बनर्जी का चेहरा लगा दिया गया था। उन्होंने सोचा नहीं होगा कि उनको इस मामले में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अर्जी दी है।
ऐसी कार्रवाई करने का कोई मतलब नहीं है। वो डर गए हैं, बीजेपी के हैं, इसलिए फसाया गया है। हमारी एक कार्यकर्ता युवा मोर्चा की प्रियंका शर्मा, उसको एक सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर करने के लिए 14 दिन के पुलिस हिरासत में ले लिया। इससे भी ज्यादा खतरनाक पोस्ट डेरेक ओबेरॉय ने डाली थी। डेरेक ओबेरॉय को कुछ भी नहीं, पुलिस ने बुलाया तक नहीं, और इस लड़की को 14 दिन की हिरासत। कल हमने चित्र दिखाए कि कैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई है, कैसे मारपीट हुई है, उम्मीदवारों को कैसे पीटा गया है, उनकी गाड़ियों को कैसे ध्वस्त किया है। उसके लिए किसी को गिरफ्तार नहीं। ममता बनर्जी का चाबुक अपने विरोधियों पर कुछ ज्यादा ही सख्ती से चलता है और कई बार वो लोकतंत्र की भावना के खिलाफ जाता नजर आता है। उनके दबाव में जाधवपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया गया और उनको अपनी रैली रद्द करनी पड़ी। यह अलग बात है कि अमित शाह ने इस राजनीतिक टकराव के साथ जय श्री राम को जोड़कर इसका भी इस्तेमाल करने की कोशिश की। ममता दीदी, मैं जयनगर सीट की मंच पर से जय श्री राम बोलता हूँ और यहाँ से कलकत्ता जा रहा हूँ। हिम्मत है तो अरेस्ट कर लेना, हिम्मत है तो। अमित शाह ने ममता पर बंगाल को कंगाल बनाने का इल्जाम भी लगाया, जिस पर भड़की हुई ममता ने जमकर उनकी खबर ली। एक भाजपा नेता ने कहा कि मैंने बंगाल को कंगाल बना दिया है। क्या वो जानते हैं कि कंगाल क्या होता है? उस मोटी बुद्धि वाले नेता को पता है कि कंगाल का मतलब क्या होता है। भाजपा वाले हमें दकैत कहते हैं, क्या ये सभ्य भाषा है? भाजपा नेताओं की हिम्मत कैसे हुई बंगाल को कंगाल कहने की? जो बंगाल को कंगाल कह रहे हैं उन्हें सजा दो। इस राजनीतिक टकराव के बीच एक नया मामला और जुड़ गया, जब पश्चिम बंगाल पुलिस ने डायमंड हार्बर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार निलंजन रॉय को गिरफ्तार कर लिया। उन पर एक नाबालिग के यौन शोषण का आरोप है। पुलिस ने उन्हें पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। ये 26 अप्रैल की घटना बताई जा रही है। पुलिस ने चुनाव आयोग को भी लिखा है कि वो इस मामले में कार्रवाई करे। इन सब हंगामे के बीच ये भूला नहीं जा सकता कि बंगाल में इन चुनावों के दौरान राजनीतिक टकराव बिल्कुल हिंसक टकराव में बदलता चला गया है। छठे दौर की वोटिंग के दौरान झाड़ग्राम में हिंसा हुई, एक शख्स की मौत हो गई। पांचवें दौर में हावड़ा, हुगली, बैरकपुर जैसी जगहों से हिंसा की खबरें आईं। चौथा दौर कुछ शांत रहा, लेकिन वीरभूम और कुछ इलाकों से छिटपुट हिंसा की खबरें आती रहीं। तीसरे दौर में मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, एक मौत की खबर आई। दूसरे दौर में भी छिटपुट हिंसा और ईवीएम लूटने की कोशिश जैसी खबरें आती रहीं, जबकि पहले दौर के मतदान में ऐसी ही हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई थी। निसंदेह ममता बनर्जी सड़क के संघर्षों से बनी और तपी नेता हैं। उनमें बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन उन्हें लोकतंत्र और लोकतांत्रिक भावनाओं का सम्मान करते भी दिखना होगा। नॉमिनेशन फाइल करते गए